हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी शामी कोफ्ते बनाना। शामी कोफ्ते बनाने के लिए हमने लिए है ये कुटा हुआ कीमा, इसको हमने साफ करके रख लिया है कीमे को। उसके साथ हमने ये चने की दाल जो एक घंटे पहले हमने इसको भिगा दिया था और ये अच्छे से फूल गई है, गल चुकी है। और इसके साथ हमने लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये मसालों में है हरी मिर्ची हमने लिया 8 पीस, ये तेज पत्ता हमने लिया 3, हल्दी पाउडर और ये है दालचीनी जो हमने 2 पीस लिया है, लौंग और एक ही इलायची हमने लिया है, जावित्री और जायफल, ज़ीरा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें और ये है काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कुकर के अंदर मैं कीमा डालूँगी। पहले थोड़ा कीमा मैं अंदर डाल करके ये दाल डाल दूंगी, ये चने की दाल जो भीग चुकी है, भिगाया था हमने 1 घंटे पहले। और उसके बाद ये बाकी के जो हमने ये सब मसाले निकाल लिए हैं ये डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, और बाकी के कीमे भी इसी के ऊपर से मैं डाल दूंगी। एक कीमा लगभग 700 ग्राम है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, एकदम से आधा गिलास से भी कम, जिससे कि नीचे जले ना, क्योंकि कीमे के अंदर से खुद ही अभी पानी निकलेगा तो उसी में ही सब हो जाएगा। तो मैं इसमें इसको बंद करके लगभग 4 से 5 सीटी आने के लिए मैं इसको गैस पे रखूंगी। जब ये 4 से 5 सीटी आ जाए तो इसको मैं बंद कर दूंगी गैस को। आ चुकी है, मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसकी स्टीम निकलने के बाद इसको फिर पीसना है ठंडा करके। ये देखिए अच्छे से गल गया है और कुकर के अंदर थोड़ा पानी है तो मैं इसको 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये सूख ना जाए इसको थोड़ी देर के लिए मैं गैस पे पका लूंगी। पानी बस जलाने का है। देखिए पानी सूख गया, मैं इसको नीचे गैस बंद कर दूंगी और इसे नीचे अब मैं इसको ठंडा करके इसको बारीक मिक्सर में पीस लूंगी। ये देखिए हमने कीमे को अच्छे से पीस लिया है मिक्सर में। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये हमने प्याज को ब्राउन करके रख लिया था, मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये कीमे के अंदर हमने प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको आकार दूंगी छोटा छोटा। इस तरह से बना के सब रख लूंगी। देखिए हमने इस तरह से बना लिया है, बाकी के सब इसी तरह से बनाना है। और देखिए एक अंडा लेकर के मैं अंडे को अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब अंडे के अंदर ये डालेंगे और इसको मैं फ्राई कर लूंगी। इधर देखिए हमने फ्राई पैन में हमने ऑयल भी डाल दिया है और वो गर्म भी हो चुका लगभग। मैं कोफ्ते को इसमें डालूंगी।
इसको दोनों तरफ से पलट के सेक ले। ये देखिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी प्लेट में। ये देखिए हमने इस तरह से तैयार किया है। बाकी सब भी इसी तरह से तैयार करना है। और हमारी वीडियो को जो आपको पसंद है उसको लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें। ओके, थैंक यू।